मुहर्रम जुलूस के दौरान कानपुर, बरेली, बाराबंकी समेत यूपी के 10 जिलों में हिंसा भड़की, हालात काबू में, तनाव बरकरार। गुजरात के वडोदरा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो गुटों में पथराव, पुलिस ने टियर गैस के गोले छोड़कर हालात को काबू में किया, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। बिहार के आरा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो गुटों में झड़प, उग्र भीड़ ने पीटन देवी मंदिर, दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर लगाई आग, इलाके में धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा बंद। बिहार के भागलपुर में मुहर्रम पर ताजिया, जुलूस के दौरान बिजली की तार की चपेट में आने से 12 से ज्यादा लोग झुलसे, दो लोगों की मौत। अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हमले के बाद बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने अब कश्मीर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा, बोले भारत ने घाटी के लोगों को भावनात्मक तौर पर खो दिया। राहुल गांधी को दिवाली के बाद मिल सकती है कांग्रेस की कमान, पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में राजस्थान कांग्रेस प्रमुख सचिन पायलट ने दिया बयान। आज है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। डीएचयू की पहली महिला चीफ प्रॉक्टर रायना सिंह ने साइकिल से घूमकर सुरक्षा का लिया जायजा, महिला महाविद्यालय भी गई रायना सिंह, बवाल के बाद से बंद कैंपस कल से खुलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपने विदेश मंत्री को सलाह, ट्वीट कर कहा नॉर्थ कोरिया से बातचीत वक्त की बर्बादी, लिखा अपनी ऊर्जा बचाव, हम वही करेंगे जो करना होगा। और नागपुर में रोहित के शतक के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से रौंदा, 5 मैचों की सीरीज 4-1 से जीतकर वनडे में नंबर 1 बनी थी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।